Hi guys, welcome back to the channel. My name is Nitya and thank you so much for coming back. So in this video I'm gonna tell you कि आप कैसे एक ब्राइड्समेड मेकअप लुक कर सकते हो अपने घर में आपके प्रोडक्ट्स के साथ एंड वेरी वेरी बजट फ्रेंडली ऑल्सो. ओके, सो दिस इज द मेकअप लुक दैट आई हैव कम अप विथ. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो कि मैंने ये लुक कैसे किया घर पे ही, मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं पार्लर नहीं जाऊंगी किसी भी शादी में, मेरे घर पे शादी आ रही है, सो मैंने इसीलिए ये मेकअप लुक किया. एंड दिस इज द लुक दैट आई एम गोना कैरी इन सम फंक्शंस. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो कि मैंने ये कैसे किया और आप कैसे आपके बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में ये मेकअप लुक कर सकते हो, देन यू आर एट द राइट प्लेस. यू शुड वॉच दिस वीडियो पूरा. एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. ओके गाइज, सो यू हैव कम वेरी क्लोज टू माई स्किन एंड एज यू कैन सी माई स्किन इज ब्रेकिंग आउट अ लॉट करेंटली, एज यू कैन सी, बिकॉज अभी घर पे काम चल रहा है तो स्किन हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग रियली वेल, बट दैट्स नॉट द पॉइंट. अपन मेकअप करेंगे तो इट विल लुक अ लिटिल बिट बेटर, मोर प्रेजेंटेबल. एंड आई हैव अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन. तो इन दिस वीडियो आई एम गोना एक्सप्लेन यू इन डिटेल हाउ यू कैन डू इट. ओके, एट होम, घर पे शादी है तो मेकअप प्लीज आप ही करना, क्योंकि कभी कभी पार्लर पे जाके ना बिगड़ जाता है. और मेरे साथ तो हो चुका है, मुझे भूरी बिल्ली बना चुके हैं वो ऑलरेडी. सो दैट्स नॉट द पॉइंट, लेट्स बिगिन. सो आई विल बी अप्लाइंग अ डार्कर कंसीलर दिस टाइम बिफोर आई अप्लाई अ लाइटर कंसीलर. ओके, सो आई डोंट अप्लाई फाउंडेशन एज यू ऑलरेडी नो. सो आई विल बी अप्लाइंग अ डार्कर शेड ऑफ कंसीलर टू हाइड ऑल ऑफ दीज डार्क सर्कल्स एंड ऑल ऑफ दिस. ओके, तो फटाफट क्या करते हैं, अब इसको ब्लेंड कर लेते हैं. ठीक है, सो फॉर ब्लेंडिंग आई विल बी यूजिंग अ ब्यूटी स्पंज एंड दिस इज द ब्यूटी स्पंज दैट आई एम यूजिंग. इट इज अ डैम्प ब्यूटी स्पंज. मैंने पहले भी समझाया है, डैम्प मतलब होता है थोड़ा सा पानी में भीगा हुआ. और डैम्प इसलिए यूज करते हैं क्योंकि यदि आप सूखा ब्यूटी स्पंज यूज करोगे तो उससे प्रोडक्ट ब्लेंड ही नहीं होगा. थोड़ा सा पानी मिल जाता है ना तो प्रोडक्ट बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है. एंड लुक एट द फिनिश ऑफ दिस कंसीलर यार, ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर है. एंड दिस इज लिटरली वेरी नाइस. लुक एट इट, पूरे डार्क सर्कल्स भाई छुप गए हैं लिटरली. लुक एट दिस, सी. नाउ वॉट आई विल बी डूइंग इज कि मैं एक लाइटर शेड ऑफ कंसीलर यूज करूंगी ताकि मैं अपने जो हाई पॉइंट हैं उनको हाईलाइट कर पाऊँ. ठीक है, एंड फॉर दिस आई जस्ट वॉन्ट टू गिव क्रेडिट टू ज्योति सेट्टी, उनने ही मुझे ये सिखाया है. मतलब ऑफकोर्स मैं सबसे सुनती आई हूँ कि लाइटर शेड, डार्क शेड, पर ये जो मैंने शेड ऑनलाइन परचेज किया है ना, ये उन्हीं की मेहरबानी से हुआ है. उनने ही ये दोनों शेड किए थे और फिर मैंने सोचा कि यार उनकी स्किन टोन और मेरी काफ़ी सेम है तो हम दोनों को शायद सेम शेड ही आ जाएंगे. नाउ यू कैन सी ये मेरे स्किन टोन से हल्का सा लाइट है, एक डार्क और एक लाइट. इससे अभी आप देखना फिनिश समझ आएगा आपको, बहुत बढ़िया फिनिश आएगा. ये हो गया ब्लेंड. नाउ लुक एट माई फेस. अभी इसके पहले एंड इसके बाद कितना डिफरेंस आ गया यार. एंड जस्ट बाय द कंसीलर, नॉट इवन अ फुल कवरेज फाउंडेशन, चुम्मा कंसीलर. ओके, सो मूविंग ऑन, वंस द कंसीलर इज डन, अपन को क्योंकि एज यू कैन सी ये क्रीम है. ठीक है, क्रीम ज्यादा देर रहती है ना तो वो क्रीज कर जाती है. सो यू विल बी यूजिंग अ पाउडर टू सेट द फेस. ओके, सो द पाउडर दैट आई विल बी यूजिंग इज मेबलिन का, मेबलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर इन द शेड आइवरी. ओके, आई विल बी यूजिंग दिस ब्रश, दिस इज अ फ्लफी ब्रश एंड आई विल बी सेटिंग माई फेस. ओके, सो एज यू कैन सी टेकिंग अ प्रोडक्ट एंड इसमें प्रोडक्ट आ चुका है और उसके बाद आप सेट कर लो आपका फेस. ठीक है, तो दिस इज ऑल द बेस दैट आई हैव डन. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड वॉट विल बी डूइंग इज वील बी डूइंग आर आईज. ओके, सो वट आई डू, आपको मैं थोड़ा सा और क्लोज लाती हूँ. ओके, सो आई हैव जूम्ड यू गाइज इन ताकि आपको आंखों पे समझ आए क्या हो रहा है. सो सबसे पहले वॉट आई एम गोना डू इज कि मैं आई टेल यू आंखों का कैसे काम करते हैं. सबसे बाहर यू हैव टू यूज अ डार्कर शेड, उसके नीचे थोड़ा लाइट शेड और यहाँ पे शिमर. दिस इज हाउ आईज परफॉर्म. ओके, सो फॉर द डार्कर शेड आई विल बी यूजिंग दिस पैलेट. ओके, एंड फ्रॉम दिस पैलेट आई विल बी यूजिंग a darker shade and I'm using this fluffy brush so that I can blend. Okay, this brush. Okay, so in my crease, outer crease, I'm just gonna blend this. What we are gonna do is ki thoda sa light shade isi blending brush mein apan lenge, which is this, and tapping up the axis we are gonna blend it uske niche like this. या दिस इज अ छोटा ब्रश. ओके,
So this is the shade and we are gonna build this shade. Okay, so see, as you can see, here's a darker shade, उसके नीचे light. Now what I'm gonna do is, ये जो नीचे का बचा है ना, I'm gonna take this kind of a brush, okay? और पूरा shimmer इस पर लूँगी मैं, okay? और उसके बाद what I'm gonna do is, कि मुझसे कट क्रीज वगैरह ये सब आई डोंट, मेरे को नहीं आता ये सब करना. तो व्हाट आई एम गोना डू इज कि आई एम गोना पुट दिस शेड हियर लाइक दिस सी इस पे लाइक दिस. शार्प एजेस नहीं दिखना चाहिए कि आपने कुछ अलग से लगाया है, ठीक है? तो आई एम गोना ब्लेंड इट. ब्लेंडिंग इज द की. सो नाउ सी दिस साइड एंड दिस साइड, यहाँ पे शिमर लगा है, यहाँ पे ऊपर डार्क शेड है पूरा में, ठीक है? अब मैं क्या करूँगी, एंड ऑफ अ ब्रश, ओके, स्मॉलर ब्रश, और उस ब्रश की मदद से आई एम गोना पुट द सेम शेड, द डार्कर शेड जो मैं सबसे ऊपर लगाया था, नीचे सबसे हियर, ओके ओके. एंड आई विल फिनिश माय आई अदर आई ऑफ कैमरा एंड आई विल बी बैक. सो आई फॉरगॉट टू अपने जो आईब्रोज है उसको शेप करना मैं भूल गई हूँ, ठीक है? सो दिस इज द प्रोडक्ट दैट आई एम यूजिंग फॉर शेपिंग माय आईज आईब्रोज. सी आईब्रोज इज ऑल्सो डन. मैं बहुत ज़्यादा लग रही है ना, पर थोड़ी देर में लाइट हो जाती है, ये देखो लाइक दिस, ठीक है? अब अपन लगाने वाले हैं आई लाइनर, ठीक है? सिंस आईज के आई शेडो वाला पार्ट हो चुका है, फटाफट से आई लाइनर लगा लेते हैं और मस्कारा और काजल. सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग, तो वो तो यू भी कर सकते हैं. सो आई एम गोना डू इट फटाफट से. फाइनली आईज आर डन, लुक एट द आईज, इट्स सो प्रिटी. ओके, सो सिंस आईज इज डन, मैंने आई शेडो बता दिया आपको, आई लाइनर नॉर्मल और मस्कारा काजल. नाउ टू एड सम कलर टू द फेस, सबसे पहले क्योंकि वो वाला जो मैंने आई शेडो यूज़ किया था वो थोड़ा सा फॉल आउट देता है, मतलब थोड़ा गिरता है, तो आई एम गोना जस्ट वॉश इट ऐसे करके, ठीक है? एंड आफ्टर दैट आई विल बी यूजिंग द ब्लश. ओके, सो दिस इज शुगर का ब्लश, आई यूज दिस ब्लश ओनली, एंड वी आर गोना डू इट हियर 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 हियर. थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ठीक है, गलत नहीं, ठीक है? नाउ ब्लश इज डन. नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज कि मैं फटाफट से हाईलाइटर लगा लेती हूँ. सो फॉर हाईलाइटर आई डोंट यूज एनी ब्रश टू अप्लाई द हाईलाइटर, एंड हाईलाइटर मैं सीधा अपने हाथ से लगाऊंगी यहाँ पे, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड. यह सारे प्रोडक्ट के लिए ब्लेंडिंग इज द की, ब्लेंड नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है. सो डोंट फॉरगेट टू लाइन योर लिप्स बिफोर यू अप्लाई. सो लेट दिस ड्राई, और उसके बाद वील बी अप्लाइंग वन मोर कोट ओवर दिस. ओके, सो एज यू कैन सी दिस इज द फाइनल मेकअप लुक, एंड वंस दिस इज द फाइनल मेकअप लुक. ये लिपस्टिक एक बार सूख जाए और उसके बाद मैं एक और लिपस्टिक लगाऊंगी इसके ऊपर. सो दिस इज द लुक. इसके ऊपर आई विल बी अप्लाइंग द शेड मद्रास कापी नायका का, छोटा छोटा मंगाया है मैंने ताकि ज़्यादा पता चल जाए मुझे कि इफ़ आई एम गोना यूज़ इट और नॉट. इफ़ आई एम गोना यूज़ इट देन आई एम गोना परचेज और ज़्यादा, ये प्लान है. सो आई एम गोना अप्लाई द शेड एंड द टॉप. सी, सो दिस इज़ द फाइनल शेड, चॉकलेटी पिंकी शेड. Okay, so after this I'll be applying a makeup fixer and we are good to go. So I hope कि आपको अच्छे से makeup tutorial समझ में आया हो. Okay guys, so this is the makeup look that I have come up with. ये आप आराम से आपकी शादी में पहन सकते हो, आपके घर की शादी में. आपकी शादी में तो ऑफ कोर्स आप खुद से मेकअप नहीं करोगे, सो आपके घर में जो भी शादी है आप ये मेकअप आराम से कैरी कर सकते हो. मैंने स्टेप बाई ट्यूटोरियल बताया है, तो यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और क्या आप ऐसा एक ब्राइड्समेड लुक करोगे या नहीं करोगे. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड फॉर मोर सच कॉन्टेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट इन दिस वीडियो, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून ऑन माई नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीक. अंटिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, एंड बी काइंड. बाय गाइज. एक सेकेंड खुशी.